हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है। तो 2024 का तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख चुके थे जो बोर्ड का था, आज हम 2023 का भी देखेंगे। पैटर्न बिल्कुल सरल है, आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और इसमें 80 का पूर्णांक है, टोटल 27 क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं, बात करते हैं, ठीक। और इन सबको हम लोग आपका बात करेंगे, ठीक है। देख लिया तो इतना आप देखें, बेसिकली सबसे पहली चीज है टाइम, 3 आवर्स का टाइम है। टोटल जो मार्क्स हैं वो 80 हैं, कितने हैं, 80 का पूर्णांक। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल आपका टू द पॉइंट उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। टोटल आपका 27 क्वेश्चन है, सबको ध्यान से पढ़ना है। कुछ एक नंबर के हैं, कुछ यहाँ पूरा क्लियर दिए कि कौन सा क्या मिलेगा। तो हम एक बार 2-3 मिनट, जब हमारा पेपर होगा लगभग 2 मिनट या 3 मिनट हम पेपर को पढ़ने में निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग आपका सबसे पहले ऑप्शनल करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके किसी प्रकार की आपका नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में नागरिक संहिता 1804 आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों, किस नाम से जाना जाता है। चलिए बेटा, इसका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए नेपोलियन संहिता, ये इसका ध्यान रखिए। तो क्या होना चाहिए, नेपोलियन संहिता। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आपका कर लीजिए, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के बहिष्कार के दौरान हुई। तो 1927-28 में आया था साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगे थे। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कितने बच्चे कह रहे हैं कि पहला होगा, कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसमें दूसरा आंसर होगा, कितने कह रहे हैं कि तीसरा होगा, कितने कह रहे हैं कि चौथा होगा। चलिए तो आंसर होगा लाला लाजपत राय, मैंने टिक कर दिया है। सबसे पहले साइमन कमीशन को देखिए, क्लियर है, मिल गया साइमन कमीशन। चलिए थोड़ा सा अपने जब आप बुक को पलटेंगे तो आपको साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत कमेटी, कांग्रेस, ये सब मिलेगा आपको, पढ़िए इनके बारे में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो घटना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा, चलिए अगला पढ़िए। विश्व में महामंदी, महामंदी की बात कर रहे हैं, महामंदी की शुरुआत कब हुई, बताइए बेटा कब है इसका आंसर क्या होगा। 1929, 1930, 1931, 1932। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ सा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सन है बड़े नियरेस्ट होते हैं। मान लीजिए हम कह लेंगे 30 और 32 है, और इसमें दोनों ऑप्शन में है 30 भी और 32 भी, साल एक होता तो हम कह सकते थे कि चलो 32 कर लेंगे, नहीं तो 30 कर लेंगे, लेकिन दोनों ही है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा कठिन अपने आप में हो जाता है। हो गया बच्चों, चलिए बेटा ध्यान दीजिए, इसका आंसर होना चाहिए 1929। आगे बढ़े बेटा, अब देखिए मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था प्रिंटिंग प्रेस, और हर बार चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ऑप्शनल हो, वन लाइनर में हो, एक नंबर में, कुछ ना कुछ आपका जरूर पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया, तो आप एक नाम याद रखना, गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग, क्या नाम है, योहान गुटेनबर्ग। अब आपको देखना है कि योहान गुटेनबर्ग ने
ये प्रेस को डेवलप कौन सी सदी और कब किया है ये आपको खोजना है। चलिए यह आपके लिए होमवर्क सा करिए बेटा। अगला है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वन्य जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है, बताइए करिए बेटा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये इसका आंसर होगा। चलिए लोहा अयस्क और जिस प्रकार के संसाधन है उसमें अगर आप देखोगे तो आंसर होगा नवीकरणीय योग्य, जिनको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, उनको बोलते हैं आपका। ये अगर पूछे कि लोहा किस प्रकार रिन्यूअल, री मतलब जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों को देखोगे ना बेटा वो ऑप्शन में अपना हिंट देती है जरूर, चाहे 10% दे 5% दे, बस वो अगर नहीं भी बन रहा है तो भी अगर हिंट से कुछ काम चले तो कोशिश करना कि ऑप्शन को अच्छे से आप एलिमिनेट कर पाओ, उनको पढ़ पाओ, उनको समझ पाओ, तो थोड़ा सा कोलैबोरेशन करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ। अब सरदार सरोवर बांध है, अब आपको पता होना चाहिए ये कावेरी नदी है, कृष्णा है, नर्मदा है, सतलुज है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। अब मोनोजाइट, रेत में आपने देखा होगा कुछ चीजें आपकी चमकती हैं, धूप में बड़ा दूर से कुछ चमकता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपका शीशा पड़ा है, तो रेत में शीशा भी होता है, मोनोजाइट भी होता है। तो मोनोजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है और क्या मिलता है। तो अगर पहली बात मोनोजाइट रेत है तो खनिज तेल तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन तो ऐसा एलिमिनेट हुआ, और रेत में कोयले का क्या मतलब बनता है, तो दो क्वेश्चन तो आपके दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो गया बेटा, हट गए, पता ही नहीं चला। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओ चांस बहुत अच्छे बन जाते। अगला है यूरेनियम और एक बचा थोरियम। अब आप कह सकते हैं यूरेनियम तो भारत में कम पाया जाता है, कम पाया जाता है तो हम लोग कजाकिस्तान, आपका कनाडा या बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से हम ज्यादा मंगवाते हैं, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, थोरियम। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची का दर्जा दिया गया। तो पहली बात कौन सी अनुसूची में है और कितनी भाषाएं, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे। मैं लिखा देता हूं इसी में, देखिए पहली बात आप देखिए, सबसे पहले अनुसूची 8 में कुल 22 भाषा है, कितनी है कुल 22 भाषा है। अगला है, स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यानी कि स्त्री और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल यानी कि वुमेन और मैन के जो इक्वली राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई इनमें बिलीव करता है कोई भी पर्सन, तो व्हाट वाज द पर्सन इज कॉल्ड द बिलीव द इक्वल राइट opportunities for the women and men, tell me what is it called, क्या कहेंगे बेटा, बताएगा कोई बच्चा क्या कहेंगे, देखिए बताइए, वो कहते हैं नारीवादी, क्या कहा जाता है नारीवादी। भारत के दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए,
कौन कौन से हैं दो राजनीतिक दल, और उनमें ध्यान दीजिए क्षेत्रीय पूछ रहा है, क्षेत्रीय। अगला चलिए इसका नाम दिखा देता हूं, पहला लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। शिरोमणि, काले दल, और दूसरा लिख लीजिए शिवसेना। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की है, ये MH यानी के महाराष्ट्र की है, और ये PB यानी के ये पंजाब का है। ठीक है, ठीक। अगला है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, बताइए बच्चों क्या होगा। वर्ल्ड बैंक होगा या कुछ और होगा, तो आंसर होगा इसका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप इसको स्वयं करिएगा, स्वयं देखिएगा, क्लियर है। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इनको सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट कोई क्वेरी है पूछिए, थोड़ा बुक में देखिए, फिर आगे। धन्यवाद।